डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे। ओहो मित्र पहला के गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों के बीच में। और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आजकल हो रहे हैं गेहूँ की कटाई करने, हमारे वहाँ शुरू कर रखा है अभी। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊँगा अपने गाँव के गेहूँ की कटाई करना और कैसे उनको सुखाते हैं, बाद में उनको मनाई करने का प्रोसेस क्या होता है। मनाई का तो अभी टाइम लगेगा फिर, क्योंकि अभी शुरुआती है, अभी सुखाएंगे उनको 5-6 दिन, उसके बाद फिर शुरू होगी गेहूँ की मनाई। ये हो चुकी है गेहूँ की कटाई स्टार्ट। ये हमारे गेहूँ कट रहे हैं और यहाँ से वहाँ तक पूरा हमारा ये, और यहाँ पे इन लोग भी चल रहे हैं और इन्हें सुखाने के लिए डाले ना ऐसे। यह है भास्कर बिस्ट, इसका आज बर्थडे है और अभी ये शाम के टाइम पर जाएगा केक लेने के लिए। क्यों हंस रहे हो, कैसा लग रहा है तेरा बर्थडे? उधर को देखना यार, शर्म आ रही इसको यार, शर्म लग रही तेरे को? अभी ये काम कर रहा है, उसके बाद ही अभी जाएगा केक लेने के लिए बितालघाट मार्केट। थोड़ा ज़्यादा लेके आना, ठीक है? अगर ये हमारे वहाँ के बच्चों की काम करने की आजकल ड्यूटी लग चुकी है और आजकल हमारे वहाँ के बच्चे ये सोच रहे हैं कि संडे ना आए तो अच्छा रहे क्योंकि संडे के दिन बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता हमारे वहाँ आजकल बच्चों को। और ये चल रही इनकी कटाई, देखो ये दो बहनें, ये इतनी गेहूँ पाड़े इन्होंने अभी अभी। अरे तुम कता अच्छा खेत में ब्याह खाओ खबर खेत में छे के। अरे बिजा खाऊंगा भाई खेत में कैसे तुम? ये देखो, और चाचा जी जा रहे हैं गेहूँ। तुम क्यों सारो हैं? निवाज यार निवाज, बजाओ बजाओ बजाओ, आई बजाओ। ये प्याज का पत्ता है, इससे सीटी बजती है बढ़िया वाली। ना ना ना, ये जैसे शंख बजा रहे ना ऐसे कर दे रहे हैं। और ये देखो, ये तो पता नहीं रात में आ गए दोनों, इन लोगों ने इतना काट दिया, इतने जल्दी रात में खाना खा के लग रहा है खेत में आ गए थे। कुछ चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। ये गेहूं इतने अच्छे दिख रहे हैं, देखो दूर से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और हुए भी वाकई में बहुत अच्छे गेहूं हो रहे हैं। इसमें बालियां भी देखो कितनी बड़ी बड़ी बालियां हो रही हैं, लेकिन नुकसान देखोगे ना बहुत ज़्यादा कर रखा है। देखो चूहों ने पूरे रास्ते बना रखे हैं जगह जगह भाई, देखो ये देखो पूरा रास्ता जैसा बना रखा है देखो चूहों ने। और ये देखो कितने काट रखे हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रखा है चूहों ने। ये लग रहा है गेहूँ गुठे द्विहाट इतना रखो, द्विहाट उतना रखो। भास्कर आना आज यार छुट्टी नहीं हुई, बहुत अच्छी ना भास्कर, यहाँ भास्कर बैठो है इतो है ए हाथ तो तू उठे नहीं हो। रख रहा रख जा है सीन लगा लिया, ये बोर्ड ला 8 लगा तो फॉलो मार ले। ये लगा है बच्चों यहाँ पर झुंड, और यहाँ पे खजूर का पेड़ है, इसमें खजूर पके तो यहाँ से ऊपर से पत्थर से या लकड़ी से तो ऊपर के नीचे से ये लोग खाने में लगे। हो रही पाग रही हो रही, हाँ।
ये गया ऊपर पेड़ में, ये ऊपर से वो कर रहा है, तोड़ रहा है उनको, और ये नीचे ये लोग बीन रहे नीचे से। देखा आखिरकार कुत्ते को गुठे ज्ञान में, तू इन्हों को तो छोड़ जा। मन से वाटे देखो भैसल जी नौ, ये हमारा पदीचा, ये खड़े आलू कदर रहे, भयंकर रही है, बहुत ही बड़े बड़े आलू हो रहे हैं, मतलब एक किलो में चार आलू आएंगे देखो भाई साहब। ये बेर चार दाने में एक किलो हो जाएंगे आराम से, ये चार दाने। किसी को चाहिए हो तो संपर्क करें, ₹50 किलो भात के साथ आलू खींचो। और ये है नीचे मूली जो अभी हुए नहीं है, छोटे छोटे हो रहे अभी। तो ये हम यहाँ के हैं, ये गलत बात है। अच्छा आते हैं क्या चाहिए टॉप टॉप में तो गाइस ये हैं मैं इनसे अरे एक बजे तो सबको बोले बोला कितना कर रहा है बढ़िया Happy birthday to you. Happy birthday to you. अरे 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 वो मम्मी पहले तू पहले के चेहरे पे लग जा हमारे गांव में।